लोगे BMW। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ 2024 ऑटो एक्सपो देखने के लिए, जो कि है सूरत में, और सूरत मेरे घर से है 120 किलोमीटर। तो मैं राइड कर रहा हूँ मेरी अपाची RTR 310, और ये मेरी फर्स्ट राइड है जो मैं इतना लंबा चलाने वाला हूँ। इस बाइक को शेयर करूँगा आपको इस बाइक के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है चलाने के टाइम, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे दोस्तों, एक और वीडियो मैंने आप लोग के लिए रेडी किया है, उसको पोस्ट करना बाकी है, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मेरी जो बाइक है ये अपाची RTR 310 0 to 100 कितने सेकेंड में जाती है, और मैंने उसमें ये भी चेक किया है कि जो इसका स्पोर्ट्स मोड है उसमें मेरी बाइक कितनी जाती है, अर्बन मोड है उसमें कितनी जाती है, और जो रेन मोड है उसमें कितनी जाती है, यानी कि टॉप स्पीड। तो वो सब वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर मुझे इस बाइक में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है ना, तो वो है क्रूज़ कंट्रोल। बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार स्पीड सेट कर दो, आराम से हाथ छोड़ दो, चलते रहो। पर थोड़ा सा रिस्क है इसके लिए, तो हल्का सा इसको टच करके रखता हूँ मैं, और बहुत ही मज़ा आता है, सीरियसली बोलता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल बाइक में होनी चाहिए, क्योंकि राइड करते करते हाथ दुखने लगता है, बॉडी को रिलैक्स थोड़ा मांगता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से इसको हर बाइक में देनी चाहिए। अगर आपकी बाइक 150 cc के ऊपर हो तो वैसे। दोस्तों, बाइक के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मैं बहुत ही डीपली आपको बता सकता हूँ इस बाइक के बारे में, और अगर आप सोच रहे हो ये जो माइलेज यहाँ पे बता रहा है 31 किलोमीटर पर आवर का, ये रियल माइलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसको GPS से टेस्ट किया था ना, तब इसका माइलेज कुछ और निकला था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ऑटो एक्सपो भी पसंद आता है, तो आपको वीडियो को करना है लाइक, वैसे मैं बहुत पहले कुछ बता रहा था आपको बाइक के बारे में। हाँ, तो ये जो माइलेज दिख रहा है आपको ना, ये रियल वर्ल्ड में माइलेज ये नहीं है। मैंने एक बार इसका स्पीड GPS से चेक किया था, तो GPS में मुझे ये बाइक बता रहा था कि उस वक्त मैं 160 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और GPS मीटर में देखा तो GPS में बता रहा है कि मेरी जो गाड़ी है वो चल रही है 150 के आसपास ही चल रही है मेरी बाइक। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये रियलिटी है, यानी कि ये बाइक का जो टॉप स्पीड है वह है ये मीटर के हिसाब से 161, पर ऐसा नहीं है, 161 तक मीटर में दिखाता है, पर ये बाइक जाती है 150 तक, जेन्युइनली 150 तक गाड़ी जाती है। बात है,
Z4 BMW। अब ये भाई मेरी मजा ना रहे, इसके लिए मैं थोड़ा सा अरे सेट नहीं हुआ। ये कर दिया मैंने स्पोर्ट्स मोड, क्या बात है। BMW Z4 बहुत ही अच्छी बाइक है, सॉरी बहुत ही अच्छी कार है, आप देख सकते हो यार क्या बात है। क्या भागती है, मानना पड़ेगा, क्या बात है। ओ माय गॉड क्या भाग रही है। क्या बात है ओ माय गॉड क्या बात है गाइस। बहुत ही जोरदार भाग रही थी ये। मानना पड़ेगा, देखो अभी इसको जैसे मौका मिलेगा ना, जैसे इसको मौका मिलेगा वैसे ये दबाएगा जोर से। ओह माय गॉड क्या बात है यार, क्या भगा रहा है, क्या बात है। पछाड़ दिया इनको, ऑल राइट। तो यह है हायाबुसा, जैसे अपन एंटर करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये बहुत ही प्यारा सा विंटेज कार की कलेक्शन, और फिर ये है BMW की कलेक्शन। आप देख सकते हो BMW की इसमें आपको बहुत ही सारी गाड़ी देखने को मिलने वाली है। ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है, MX M। ये है मर्सिडीज की EQS जो कि इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सब कुछ, मतलब मर्सिडीज के बारे में आपको क्या ही बताऊँ, आपको सब कुछ पता ही है, बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाते हैं मर्सिडीज वाले। फिर ये है मेरी की तरफ से कंट्रीमैन, ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये है BMW बाइक्स की कलेक्शन, आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है थार का कुछ मॉडिफिकेशन किट्स जो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है, जो कि है carsutra.shop। यहाँ से इनके एक्सेसरीज परचेज कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है एथर के कलेक्शन, जो कि एथर के पास फिलहाल आपको देखने को मिलता है।
TVS की कलेक्शन, TVS में आप देख सकते हो स्कूटर भी रखा है, इनकी जो हाई फाई स्पोर्ट्स बाइक है 310 वो भी रखा है, रॉनी भी रखा है, अपाची भी रखा गया है, और आगे देखते हैं। ये हीरो की प्रीमियम बाइक जो आप देख सकते हो हार्ले डेविडसन और मैवरिक रखा है यहाँ पे, और एक्सपल 200 भी यहाँ पे रखा गया है। रॉयल एनफील्ड के पास में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देखने को मिलने वाला है, और देख सकते हो शॉटगन है और सुपर मीटियोर 650, हिमालयन 450 है, और क्लासिक यहाँ पर है बाजू में। मैडम ने बोला है कि इसका भी वीडियो लो, तो मैंने इसका भी वीडियो ले लिया, और यस बहुत अच्छी अच्छी मॉडल है। मैम क्या प्राइस है? 1750। ओके 1750 का है। जो भी लेना चाहता है एक दिन का टाइम है, बिंदास आके ले सकते हो। देखो उसका लाइट भी चलेगा अभी नहीं, वो उतना फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते। वाह 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 क्या बात है, लोहे का तो नहीं मिलेगा 1700 में। ओके थैंक यू। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ट्राइम के कलेक्शन, जो कि ट्राइम की तरफ से है। यहाँ पे आपको हुंडई के हर एक गाड़ी देखने को मिलती है, और ये रहा क्रेटा एनलाइन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये 1800cc की गाड़ी है, और जो उसके बाजू में आप देख रहे हो BMW का जो स्कूटर है उसको लोग बोलते हैं कि ये एक्टिवा है, यहाँ सूरत के समझदार लोग ऐसा बोलते हैं। ये है नया BYD का सीन, आप देख सकते हो। और ये भी है BYD का ऑल न्यू E40 रिचार्ज, और यहाँ पे भी है XT40 रिचार्ज। बहुत अच्छे दिखने लगे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन। S-Cap-Z चार्जिंग स्टेशन, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज की शॉप भी है, आप देख सकते हो।
ये कंपा सही फोकल आर फोर टैम दोस्तों, अगर आपके पास में किया कैरेंस कार है तो उसके यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। शोरूम में आपको भले देखने को ना मिले लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है परी, यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि BMW बहुत अच्छी लग रही है। इसमें फास्टैग लगा यानी कि किसी की व्हीकल है, यहाँ पे ला के रख दिया बस। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है डील कर दे, डील कर दे वेबसाइट इनका ऑफिशियल, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो। और अगर पसंद आए तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो। गोवा का लड़का है, बॉम्बे बहुत अच्छा दिख रहा है। और टायर वगैरह देख सकते हो, ये इसका फिट एंड फिनिश, ये डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग है। वाह क्या बात है, रोड पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ चेंजेस कर किया गया है। यहाँ पे डेमो भी चालू है, वाटर सिटी 1,00,000 स्टीयरिंग के सिस्टम यहाँ पे दिए कैसा लगा आपको ऑटो एक्सपो 2024, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।